रिसेंटली आई वेंट टू माई विलेज एंड अ विलेजर केम टू मी एंड टोल्ड मी कि एक पुलिस ऑफिसर उसके यहाँ आया और उसने उसको सेक्शन 151 में अंदर करने की धमकी दी। सो अब ये सेक्शन 151 है क्या? सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी बात करता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट इफ ही नो द डिजाइन ऑफ द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है तो उस केस में किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 151 दो चीजों की बात करता है कि किस केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। नंबर वन, जब पुलिस ऑफिसर को ये दिखे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, और नंबर टू, जब उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने का अरेस्ट के अलावा कोई दूसरा तरीका ना हो। जब ये दोनों चीजें और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उसी केस में पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये प्रोविजन पुलिस ऑफिसर को अनलिमिटेड पावर दे देता है और आर्बिट्री पावर दे देता है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सके। द आंसर इज नो, और इसका जवाब मिला है सेक्शन 151 के क्लॉज 2 में। सेक्शन 151 ऑफ क्लॉज 2 ये बात करता है कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर उसको वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करे। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया अहमद नूर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में, जहां पे इस सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में कहता है कि केवल इसी बात पर किसी भी सेक्शन को स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता कि उसका मिसयूज हो सकता है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज भी कंफर्म की कि सेक्शन 151 क्लॉज 2 में प्रिवेंटिव मेजर भी कंटेन करता है, जिसमें वो आर्बिट्री यूज ऑफ पावर को डिप्रेस कर सके और खत्म कर सके। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज टू द अरेस्टेड पर्सन? सो इफ यू टॉक अबाउट द रेमेडीज, सेक्शन 151 क्लॉज 2 सीआरपीसी अपने आप में ही रेमेडी की बात करता है कि किसी भी पर्सन को आप 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, और अगर 24 घंटे से ज्यादा आपको प्रिवेंटिव कस्टडी में रखना है तो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही आप उसको कस्टडी में रख सकते हो। सेकेंड थिंग, एज पर आर्टिकल 22, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी टोल्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है ये जरूर बताया जाए अरेस्टेड पर्सन को। थर्ड थिंग, उसके नियरेस्ट रिलेटिव को बताया जाए उसके अरेस्ट के बारे में। इसके साथ साथ वो अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर चूज कर सके, ये अधिकार भी उसको होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज फॉलो द चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज एंड फॉर लीगल हेल्प। थैंक यू सो मच।